सुबह जाट अगर बायोटेक से मैं एमपी चार सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय, पता नहीं किसी की शादी होगी, किसी का कुछ जरूरी काम होगा, वो सब छोड़ के आप लोग हमारा प्लाट विजिट करने के लिए आए, इसके लिए सबका हृदय से धन्यवाद। सागर किंग और सागर किंग प्लस, रॉयल किंग, रेमबो, अरुणी, ओपन में अपना महाराजा टर्बो, सागर बायोटेक कंपनी के पास बहुत सारी आइस बॉक्स सेगमेंट में बहुत सारी वैरायटी है। अभी भी लॉन्च कर रही है, अभी भी 8 वैरायटी अपने पास है पाइपलाइन में, लेकिन मार्केट में आज डिमांड सागर किंग की है, रॉयल किंग की है, वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, जब मार्केट चेंज होगा, लोगों का टेस्ट चेंज होगा, तो अपन भी वैरायटी चेंज करके मार्केट में पेश कर देंगे। कैसे, जैसे आइस बॉक्स सेगमेंट में आए हैं सभी कंपनी आई है। आइस बाग सेगमेंट जब से लोगों ने खाना चालू किया है, तो बड़े वाला पट्टे वाला जो लगता था उसका टेस्ट हल्का रहता था, इसका टेस्ट फिटनेस ज्यादा आता था, तो ये पूरा मार्केट पूरा डेवलप हो गया। ठीक है, अब इसमें और चेंजेस होते जा रहा है, जैसे और फिटनेस ज्यादा आ रहा है, हार्डनेस भी चाहिए, किसान को पैसा भी बनना चाहिए, मीठा तो बहुत कर देते हैं, ठीक है मीठा कर दिया आपने तरबूज को, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टिंग में अगर वो नहीं जा पा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग में अगर बाहर नहीं जा रहा है, कोई भी वेंडर आपसे, दलाल कोई भी आपसे माल खरीद रहा है, उसका माल अगर वहां पे नुकसान हो रहा है, अगर मान लो उसने ट्राला लोड किया और वो गया काठमांडू भेजा, नेपाल भेजा, या दिल्ली या मुंबई कहीं भी भेजा, और नीचे का माल उसका खराब हो गया, तो वो किस लिए खरीदेगा आपसे माल? अगर आपका बहुत अच्छा माल भी है, बहुत अच्छा मीठा भी है, आपने अगर उसको दिया भी है अच्छे रेट से, और उसका अगर नुकसान हो रहा है, तो कैसे खरीदेगा वो? उसको भी तो चाहिए ना, अगर ठोस वैरायटी है तो आगे बोल के देगा, मेरी गारंटी है 15 दिन तक 20 दिन तक ये माल खराब नहीं होगा। तो सामने वाला जो खरीदार है वो उसको सही रेट से खरीद लेगा। तो अपने जो यहाँ के जो लोकल के, जैसे अब इरफान भाई है, ये आप लोगों से क्यों जुड़े, सागर किंग पे क्यों बोलते हैं कि भाई सागर किंग आप लगाओ? क्यों, सागर किंग एक इतनी ठोस वैरायटी है, इसको कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना सागर किंग दुबई भी इसको एक्सपोर्ट किया है, वहां तक पहुंचा है, तो वहां तक जाने में भी टाइम लगता है। जब इसकी डिमांड वहां पे है, तो पूरे अपने इंडिया में तो डिमांड है ही उसकी, सब जगह माल जा रहा है, सब जगह माल जा रहा है, पूरे एमपी में चल रहा है, नेपाल भेजा है। अगर क्वालिटी में ठोसपन नहीं होता तो ये नेपाल जाता क्या, आप बताओ मुझे? अगर आपके यहाँ किसान के यहाँ खेत में अच्छा माल लगा हुआ है, ठोस माल लगा हुआ है, अगर 2-4 दिन आगे पीछे भी होता है, तो ये उसको सहन कर जाता है, 2-3 दिन 4 दिन आपको सहन भी कर सकता है ये, कि नहीं यार धूप में है, ठीक है 2-3 दिन 4 दिन निकाल भी देगा। दूसरी वैरायटी आप अगर लगाते हो, तो वो 4 दिन अगर कभी आप खींचने की कोशिश करोगे, तो पूरा माल खेत पे खराब हो जाएगा आपका। चलो अगर कभी ले भी लिया किसी वेंडर ने, तो उसके बाद में वो ट्रांसपोर्टिंग करेगा, तो भी उसका नुकसान है, तो आगे से फिर वो डरेगा, वो क्यों खरीदेगा नहीं, क्यों नहीं खरीदेगा, कि वो उसमें उसका पैसा नहीं बना ना। सागर किंग एक ऐसी वैरायटी है कि फल का साइज आपको थोड़ा सा भले ही छोटा लग रहा है, लेकिन ये इसमें वेट बहुत है, ये वजनदार है, भारी है, अंदर पूरा ठसिंग भरा हुआ है, जैसे बाहर इसको ठोकते हैं, वैसे अंदर से काटने के बाद में भी इससे आवाज आती है, पूरा करकरापन है इसमें। अगर आप खाओगे ना, तो जैसे पुराने लोग, बूढ़े आड़े लोग पहले लगाते थे वो पट्टे वाला भी, उसको खाते थे तो शकर की आवाज आती थी, वो टाइप से इसमें आवाज आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जो एक कंपनी है सागर बायोटेक कंपनी अपने इंडिया की कंपनी है, ना कि बाहर की है, अपने भारत देश की कंपनी है, और वो किसानों को समझ में रख के ऐसा सीड निकालती है कि जिससे किसानों का फायदा हो, ना कि नुकसान हो। मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर से आती है, बाहर माल दे जाती है आपको दे जाती है, माल बेच दिया, कोई फील्ड पे आता नहीं है, आपका माल पक गया तो ठीक, नहीं पका तो आपको कितना नुकसान हो रहा है, वो तो आप किसी को बोलते भी नहीं हो। सागर बायोटेक एक ऐसी कंपनी है कि अगर आपने 200 ग्राम भी सीड लिया किसी भी काउंटर से, 200 ग्राम सीड लिया किसी भी काउंटर से, तो आपका डाटा वहां पे तैयार हो गया है, लड़का जाएगा, 200 ग्राम सीड आपने लिया है, वो आपका नाम नंबर वहां से ले लेगा काउंटर से, और आपका प्लाट विजिट करने पहुंच जाएगा। लेकिन एक चीज का यही ध्यान रखना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर वहां पे काउंटर पे छोड़ के आए, तो प्लाट आपका विजिट होते रहे। अगर किसी तरीके की भी परेशानी है, तो ये जो अपना लिटरेचर है, लिटरेचर में पूरा सिस्टम दिया हुआ है फर्टिगेशन का, पेस्टिसाइड का। दूसरी चीज, इसमें अगर कभी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है कि यार कोई देखने नहीं आ रहा है, इसके ऊपर एमपी का पूरा नंबर दिया हुआ है, कौन से इलाके में कौन सा लड़का काम कर रहा है, आपके कौन से कहां के जिले में कौन सा क्या, सब उस पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। वो लड़के को आप फोन लगाओ, नहीं अगर वो फोन उठा रहा है, तो मेरा नंबर भी इसमें,
मध्य प्रदेश के नाम से सबसे पहला नंबर आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं लड़के को भेजता हूँ। तो इससे आपका क्या रहेगा, अगर कभी आपका नुकसान हो रहा है, बाय द वे अगर कभी कुछ आपने कुछ गलत चला दिया या कुछ स्प्रे गलत हो गया या किसी कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फोन लगाओ तो लड़के को मैं भेजूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहीं के वहीं हैंडल हो जाएगा। अपनी वैरायटी ही इतनी ठोस है, प्रॉब्लम कम आती है, इसी के कारण ये वैरायटी अभी पूरे इंडिया में, यहाँ तक कि अपना माल विदेश में भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, सीड भी बाहर जा रहा है अपने यहाँ इंडिया से। और अभी अपन ने दो तीन वैरायटी और अपन ने लॉन्च कर दी है, नया आया है अपना कनक सागर की प्लस, अपन ने एक नया निकाला है, इससे भी और हार्डनेस ज्यादा है उसमें कनक में, लेकिन इस साल नहीं दिया मार्केट में, अगले साल हो सकता है तो मार्केट में हम देंगे। उसमें ठोस ज्यादा है और छिटे सुखे और ज्यादा है, उसको कहीं भी आप लोड कर सकते हैं। अपना एक वैरायटी आता है मत्स्य मेलन में जानवी, इसको लो, ये वैरायटी पीले वाला, ये पीले वाला मैं संभालता हूँ। इसको अपन ने लगाया था महाराष्ट्र में जलगांव जिले की पारोला तहसील के बावटे गांव में, ये 41 रुपए किलो से सौदा हुआ है, 17 से 18 टन माल निकला है, 34 लाख की बाड़ी बैठी थी उसकी। हरिराम भाई अपने यहाँ का जो वो है अपना काउंटर वाले, वो खुद गए थे देखने के लिए, और यहाँ तक इरफान भाई भी शायद देख के आए होंगे, हाँ, और उन्हीं के आदमी ने खरीदा है। तो उसका पैसा कितना बना, 34 लाख रुपए। भाई कुछ चीज को मार्केट में अगर कभी लाएंगे, देखो ये हमारा तो फायदा है ही, लेकिन आप लोगों का फायदा कैसे हो वो सोच के काम करना है। देखो समय उसको